एक और भी कारण बना राधा रानी के आने का, भूमिका तो यहां बनी लेकिन कारण कैसे बना वो भी सुन लो। एक राजा थे नृग, नृग नाम के राजा, उनके एक पुत्र थे सुचंद्र नाम के, और शास्त्र कहते हैं कि एक तीन कन्याएं जिस दिव्य पितर की थी, यानी मानसी कन्याएं, इन तीन कन्याओं में विशेष कन्याएं थी ये, और इन तीन कन्याओं के नाम, जो पहली कन्या थी वो थी रत्नमाला, दूसरी थी कलावती और तीसरी थी मेनका। हाँ, तो जो रत्नमाला थी उसका विवाह हुआ था राजा जनक के साथ, ध्यान से सुनना, जो रत्नमाला थी इनका विवाह हुआ था राजा जनक के साथ, जिनके यहां जानकी जी आई यानी सीता जी आई। जो कलावती थी इनका विवाह राजा नृग के पुत्र से हुआ, सुचंद्र से, और जो तीसरी कन्या थी मेनका, इनका विवाह यानी इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था हिमालय से, और इनकी पुत्री बनकर के आई पार्वती, ध्यान से सुनना। अब जो सुचंद्र और कलावती थे ये भगवान के बड़े भक्त थे, इन्होंने 12,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने इनसे वर मांगने को कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि प्रभु आप ही दे दें, आप दे दें वरदान, हम नहीं मांगेंगे। तो स्वयं भगवान ने इनको वरदान दिया कि जब द्वापर का अंत आएगा, द्वापर युग का जब अंत आएगा, तो द्वापर युग के अंत में आप दोनों वृषभान और कीर्ति बनेंगे, वृषभान और कीर्ति, और उनसे ही यानी आपके पुत्री के रूप में, आपकी बेटी के रूप में, आपकी कन्या के रूप में स्वयं राधा रानी प्रकट होकर के आपका कल्याण करेंगी, यानी राधा रानी आपके यहां प्रकट होकर के आएंगी। और द्वापर के अंत में ऐसा ही हुआ, सूरभान राजा जो थे उनके पुत्र थे वृषभान, वृषभान जी के जो पिता हैं उनका नाम है सूरभान, और ये जो कीर्ति, जो राधा रानी की मां है कीर्ति, ये जन्म लेके नहीं आई थी, जैसे राधा रानी ने किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया वैसे ही इनकी जो मां है कीर्ति, इन्होंने भी किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया, ये यज्ञ से प्रकट हुई थी कीर्ति, हाँ ये यज्ञ से प्रकट होकर के आई थी। और आश्चर्य की बात है कि ये दोनों ही अयोनिजा हैं, यानी गर्भ से प्रकट नहीं है, किसी योनि से प्रकट नहीं है ये, जैसे भगवान कृष्ण गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे, अवतार लिया, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान यानी जब आए तो देवकी के गर्भ से आए, राधा रानी आई तो कीर्ति के गर्भ से, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि बिना योनि के बिना गर्भ के ये आए? वो ऐसे आते हैं कि भगवान जब राधा रानी, जैसे कृष्ण थे ना, जब कृष्ण जब प्रकट होने वाले थे यानी आने वाले थे, तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया था, कृष्ण ने योग माया से कहा था कि तुम मां के गर्भ में वायु के रूप में प्रवेश कर जाओ, वायु के रूप में यानी हवा के रूप में। तो सबसे पहले भगवान ने माता देवकी के मन में प्रवेश किया था, ध्यान से सुनना, जब भगवान कृष्ण आए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण मां देवकी के मन में जाके बैठे, और वहीं से योग माया को आदेश कर दिया वायु के रूप में। अब जब वायु के रूप में गर्भ के अंदर भगवान यानी योग माया ने वायु गर्भ के अंदर डाली, तो उनकी मां को, जैसे मां को बच्चे का अनुभव होता है, आभास होता है, एहसास होता है, 9 महीने तक माता देवकी को अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था। जैसे माताएं जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो कहती हैं आज तो कुछ हिला डुला बच्चा है,
आज तो कोई कोई माता कहेगी आज तो उसने ना पैर मारा, लात मारी, लात है? अनुभव होता है माँ को बच्चे का, पल पल वो महसूस करती है माँ बच्चे को। वैसे ही माता देवकी ने भी भगवान को महसूस किया था। माता देवकी को ये नहीं पता कि ये सब भगवान की माया है, वो तो ये सोच रही है कि मेरे गर्भ से बालक होगा, यही माया है भगवान की। ऐसे ही राधा रानी के साथ हुआ था। राधा रानी की जो माँ है कीर्ति, उनको पल पल एहसास हुआ था 9 महीने तक कि मेरे गर्भ से कोई जन्म लेने वाला है, मेरे गर्भ से कोई जन्म लेने वाला है। और जब ठीक 9 महीने के बाद कीर्ति कक्ष में लेटी हुई है, जिस कमरे में लेटी हुई है उसी कमरे में ठीक 9 महीने के बाद एक ज्योति प्रकट हुई, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई उसके अंदर। और वो ज्योति कोई साधारण ज्योति नहीं थी, ऐसी वैसी ज्योति नहीं थी, वो ज्योति ऐसी ज्योति थी कि जैसे हजारों चंद्रमा हजारों सूर्य का जितना प्रकाश रहता है। कहते हैं जब ज्योति प्रकट हुई तो सबकी आंखें बंद हो गई, कोई देख नहीं पाया कि ये हुआ क्या, सबके नेत्र बंद हो गए, कोई आंख खोल नहीं पा रहा, नेत्र खोल नहीं पा रहा। जब काफी समय हो गया तो धीरे धीरे वो ज्योति और एक कन्या के रूप में प्रकट हुई, राधा रानी के रूप में प्रकट हुई, फूलों से सजी हुई, चारों तरफ उसके पुष्पों से ढक रखा है, कमल का पुष्प बताया है, कमल के पुष्प से राधा रानी को चारों ओर से ढका हुआ है। और छोटी सी कन्या, छोटी सी नन्नी सी बालिका, गौर वर्ण है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान कृष्ण जब आए तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जब राधा रानी आई तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान आए बुधवार को, भगवान जब जन्म लेके आए तो वार था बुध, और जब राधा रानी आई तो वार था सोम, सोमवार। सोमवार के दिन पुराणों में लिखा है कि मध्याह्न के समय आई, यानी दिन के 12 बजे दिन के। लेकिन हमारे वृंदावन में संत कहते हैं कि नहीं नहीं दिन में नहीं आई थी राधा रानी, तो कब आई थी? बोले रात में आई, ऐसा मानते हैं, क्योंकि इतनी कोमल थी राधा रानी, इतनी कोमल थी, वो सूर्य की गर्मी झेल ना पाती। जब नन्ही सी बालिका के रूप में राधा रानी आई तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि दिन में नहीं प्रकट हो सकती राधा रानी, रात में हुई थी, ये भाव है संतों का। बाकी शास्त्र पुराणों में तो रात का ही लिखा है, रात में आई थी राधा रानी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि राधा रानी जब कन्या के रूप में प्रकट होके आई तो नेत्र बंद है, नेत्र खुले नहीं। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी को पता चला कि राधा रानी प्रकट हो गई है, तो नारद जी आए दर्शन करने राधा रानी का। लेकिन राधा रानी की को देख करके उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों से जल बहने लगा, सब पहचान गए नारद। तो उनके पिता से बोले वृषभान जी से कि वृषभान जी मैं राधा रानी से, राधा रानी के यानी आपकी पुत्री के लिए मैं कुछ कुछ अनुष्ठान करना चाहता हूँ, कुछ मंत्र जप करना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो इसके पास। सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और नारद जी को अकेला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने अकेले में राधा रानी का दर्शन किया तो राधा रानी एक दिव्य सिंहासन पर अपने उसी रूप में जो सच में राधा रानी का रूप था, दिव्य सिंहासन पर राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी के उस दिव्य तेज को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर नारद जी पुनः मूर्छित हो गए, ऐसा लिखा है। नारद जी जब मूर्छित हुए तो जो उनकी सखियां थीं, अष्ट सखियां राधा रानी की, जो ललिता विशाखा ये सखियां थीं, तुरंत राधा रानी के चरणों को पखारा और वही चरणोदक, चरणों का जल नारद जी के चेहरे पर ऐसे छींटा मारा तो नारद जी होश में आए। कहते हैं जब नारद जी होश में आए तो वही राधा रानी पुनः कन्या के रूप में बदल गई और इस बार उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। बोलो राधा रानी सरकार की जय।